क्या नाम है आपका? अर्पित शंकर शुक्ल। अर्पित शंकर जी, क्या है मामला आपका बच्चे की मौत का, क्या कारण है? मामला ये 7 तारीख का है, शुक्रवार दिन था और मेरी वाइफ थी, उनकी डिलीवरी थी और मैं संजय गांधी हॉस्पिटल में ले जाकर उन्हें एडमिट किया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी बीपी बढ़ी हुई है, इसलिए अभी कुछ भी ऑपरेट नहीं किया सकता। तो रात भर वो बीपी का इलाज करते रहे और दूसरे दिन शनिवार को लमसम 16-17 घंटे बाद अचानक 2 बजे डॉक्टर बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उनका ऑपरेशन किया गया। इसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ और फिर दोनों को ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिए। सोमवार को 3 दिन बाद, सोमवार को लमसम 1 बजे मेरा जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया। आपने खुद से राहुल गांधी को पत्र लिखा है, क्या है पूरा? मैंने चूँकि राहुल गांधी जी संजय गांधी हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी हैं और मैंने उनको पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि वो हॉस्पिटल की जितनी भी जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है। तो मैंने उनसे ये अनुग्रह किया है कि जो भी उस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की मौत के जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी को डिलीवरी हुई, उसके बाद इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे और 56,000 रुपये बगैर भी करने पड़े, तो क्या मामला है पूरा? पहली बात तो है कि उन्होंने जो 56,000 रुपये का जो बिल बताया है वो एकदम से गलत है। मेरे पास सारे बिल्स वगैरह मैंने मंगा के रखे हुए हैं और उनको टोटल तकरीबन 28,000 रुपये टोटल चार्ज हुआ है, जिसमें कि पेशेंट पूनम शुक्ला को डिलीवरी हुई थी, 8-12 को वो एडमिट हुई थी और 10-12 को डिस्चार्ज हो गई थी और बच्चे की डेथ जो है वो 12 तारीख को हुई थी। तो उस समय बच्चा एकदम स्वस्थ था, लेकिन है ना 12 तारीख को शायद उसको मदर को फीड कराते समय फीड करा रही थी, उस समय कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण से बच्चा एस्पिरेट कर गया था। ट्रस्टी राहुल गांधी को भी उन्होंने खून से पत्र लिखा है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं।